आज की जो यहाँ महिला बाइक रैली आई है, ये श्रीनगर से निकली है और इनका मेन संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा बनाएं और हर क्षेत्र में वो अपने इनकी तरह इनको देख के मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। तो ये आज ये इनका यहाँ एक छोटा सा पड़ाव है, इसके बाद ये आगे जलंधर और अमृतसर होते हुए और 15 राज्यों से गुजरते हुए ये 31 तारीख को एकता नगर गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, वहीं जाके समाप्त होगी। और ये रैली हमारी तीन टीमें निकल रही हैं, एक श्रीनगर से स्टार्ट हुई है, एक शिलोंग से पूर्व में और दक्षिण में कन्याकुमारी से स्टार्ट हुई है। ये तीनों टीमें वहाँ जाके 31 तारीख को समाप्त होंगी। मैं उप कमांडेंट तारा यादव, मैं मैसेज ले आप इनके सभी के पेरेंट्स को, मैं यहाँ जो हीरानगर के जितने भी हैं या किसी भी आपके चैनल के द्वारा जम्मू कश्मीर को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपकी बेटियों को भगवान ने पंख दिए हैं, आप उनको खुला आसमान दें और उनको उड़ने दें। आज की जो आपके लीडरशिप के अंडर ये जो बाइक रैली कश्मीर से नगर से चली है, तो किस तरह के आपके चैलेंजेस हैं और किस तरह आपने इन लड़कियों को तैयार किया और क्या क्या पड़ाव होंगे रास्ते में, क्या क्या कार्यक्रम हैं आपको बताए गए हैं और क्या मकसद है, ये सारा हमें विस्तार से। हमारा मकसद है महिलाओं को प्रेरित करना और महिलाओं को एकता दिवस का मतलब आप समझ रहे हैं, एकता का मतलब है महिलाओं को संगठित करना। दूसरा, जो आप ये आज भारत का जो नक्शा देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है, जिन्होंने 500 रियासतों को मिलाया था और एक साथ आज आप ये सब कुछ देख रहे हैं। 31 तारीख को उनका जयंती है और हम लोग यहाँ से 75 बाइकर जो जा रही हैं, वहाँ से तीनों स्टेटों आ रही हैं, तो वहाँ जाके हम सिर्फ एक उसको अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एक सच्चे दिल से तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।